डेसिडेंट्स, आज का वीडियो है 12 क्लास बायोलॉजी। 11वें वीडियो में हमने आपको लैंगिक जनन की घटनाओं के बारे में अध्ययन कराया था, जिसमें निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाओं का उल्लेख किया गया था। तो उसमें ये चल रहा था टॉपिक निषेचन पूर्व घटनाएं। तो लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में निषेचन पूर्व घटनाएं दो भागों में बांटा गया है। पहली थी युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था, डाल दीजिएगा। तो युग्मक, युग्मकों का निर्माण। अब आता है युग्मकों के प्रकार, कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं आकार आकृति के आधार पर। तो देखिएगा, युग्मकों के प्रकार, युग्मकों के प्रकार तो देखिएगा दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है समयुग्मक, समयुग्मक आइसो गैमेट्स, समयुग्मक आइसो गैमेट्स। ध्यान देना, ये कैसे होते हैं? जब युग्मक आकार एवं आकृति में समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, जब युग्मक आकार एवं आकृति में समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, आकार आकृति में समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं। देखिए, जैसे क्लेडोफोरा शैवाल के युग्मक, कौन शैवाल के? क्लेडोफोरा शैवाल के युग्मक। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार तो दोनों सेम है आकार एवं आकृति में, तो क्या कहलाते हैं? ये क्लेडोफोरा शैवाल के युग्मक हैं। चित्र क्लेडोफोरा शैवाल के युग्मक। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी? जब युग्मक आकार एवं आकृति में समान होते हैं, समान होते हैं तो उन्हें, समान होते हैं तो उन्हें समयुग्मक कहते हैं, समयुग्मक कहते हैं। और ऐसे जीव, और ऐसे जीव जिनमें समयुग्मक का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं? समयुग्मकी, समयुग्मकी कहलाते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए क्लेडोफोरा शैवाल के युग्मक,
क्लेडोफोरा शैवाल के युग्मक, ध्यान दीजिएगा, क्लेडोफोरा शैवाल के युग्मक क्या कहलाते हैं? समयुग्मकी। ये कशाविकाएं होती हैं, ये केंद्रक होता है। तो दूसरी जो प्रकार आती है वो आती है विषम युग्मकी या विषम युग्मक। विषम युग्मक जब युग्मक आकार एवं आकृति में भिन्न भिन्न होते हैं अर्थात असमान होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? विषम युग्मकी या विषम युग्मक कहते हैं। जैसे फ्यूकस नामक शैवाल के युग्मक भिन्न भिन्न होते हैं, इस प्रकार मानव में मानवगत युग्मक होते हैं जिन्हें नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ये भी क्या होते हैं? आकार एवं आकृति में असमान होते हैं। अब आता है आपके दूसरा विषम युग्मक। विषम युग्मक ये आकार एवं आकृति के आधार पर है, ये हेट्रोगेमस हेट्रोगेमिट्स ध्यान देना। इसमें लिखे हैं परिवर्तन जब युग्मक आकार व आकृति में, जब युग्मक आकार एवं आकृति में, आकार एवं आकृति में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं तो उन्हें विषम युग्मक कहते हैं, तो उन्हें विषम युग्मक कहते हैं। आकार एवं आकृति क्या होते हैं? भिन्न होते हैं तो उन्हें विषम युग्मक कहते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्यूकस नामक शैवाल के युग्मक। फ्यूकस नामक शैवाल के युग्मक दो प्रकार के होते हैं जिन्हें नर युग्मक और मादा युग्मक कहते हैं। इसमें देखिएगा जो मादा युग्मक होता है वो कैसा होता है? गोल टाइप, ध्यान देना। इसका ये केंद्रक होता है, इसमें कोशिका द्रव, ये तो होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। और जो शुक्राणु होता है वो कैसे होगा? इस प्रकार ध्यान देना, ब्रकनुमा और इसमें क्या निकलेंगी? कशाविकाएं। इस प्रकार तो ये होता है नरयुग्मक, नर युग्मक। इस प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल सेकंड ये होता है मानव के युग्मक। मानव में जो युग्मक होते हैं वो भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे देखिएगा ये अंडाणु होता है मानव का, ये केंद्रक, ये होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। इसे बोलेंगे हम अंडाणु। क्या कहेंगे इसको? मादा युग्मक को अंडाणु। और दूसरा जो होता है वो होता है नर युग्मक।
इस टाइप। ये पूंछ होती है इसकी, ये होता है नर युग्मक, से बोलते हैं शुक्राणु, नरमुख को शुक्राणु। तो क्या होते हैं आकार एवं आकृति में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये विषम युग्मक कहलाते हैं। तो ये एग्जांपल सही हो गए आपके। इसके बाद में ध्यान देना, युग्मकों का निर्माण हो जाता है, क्या हो जाता है, युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो उनका निषेचन हेतु आपस में मिलना बहुत जरूरी होता है, इसके लिए नर एवं मादा युग्मक को आपस में मिलना जरूरी होता है। तो इसमें निषेचन पूर्व घटनाओं में दूसरी जो घटना है वो है युग्मक स्थानांतरण। ध्यान देना कौन सी है, युग्मक स्थानांतरण। उसमें देखिएगा लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के पश्चात निषेचन का होना, लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के पश्चात निषेचन का होना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए नर एवं मादा युग्मकों को आपस में मिलना जरूरी है। अतः युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिएगा आप निषेचन पूर्व घटना में दूसरा जो घटना है, एक क्रिया है, वो क्या कहलाती है, युग्मक स्थानांतरण। देखें ध्यान से, दूसरी जो क्रिया है युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण इसे बोलते हैं गैमेट ट्रांसफरेशन। तो देखिएगा लैंगिक, हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं, ध्यान देना, या फिर लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के पश्चात निषेचन का होना बहुत जरूरी होता है, और इसके लिए नर एवं मादा युग्मक को क्या होता है, आपस में मिलना आवश्यक होता है। इसमें लिखें आप लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के पश्चात युग्मकों के निर्माण के पश्चात निषेचन का होना के पश्चात निषेचन का होना बहुत, निषेचन का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, और इसके लिए, किसके लिए, निषेचन के लिए, इसके लिए नर एवं मादा युग्मकों का, नर एवं मादा युग्मकों का आपस में मिलना, नर एवं मादा युग्मकों का आपस में मिलना जरूरी है, जरूरी है। भाई निषेचन तभी होगा, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन तभी होगा जब नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। तो देखिएगा लैंगिक जनन में युग्मकों के निर्माण के पश्चात, तो युग्मकों का निर्माण हो गया लैंगिक जनन में, अब निषेचन के लिए दूसरी आवश्यकता क्या है, निषेचन। तो इसके लिए क्या होता है, निषेचन का होना बहुत आवश्यक होता है, और निषेचन के लिए नर एवं मादा युग्मकों का आपस में मिलना जरूरी है। अतः परिभाषा बनती है इसकी, युग्मक स्थानांतरण क्या परिभाषा होगी फिर, ध्यान देना, अतः युग्मक जहां पर
युग्मक निर्मित होते हैं तो युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से या निर्मित स्थल से युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना ही क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो लेकिन इसकी परिभाषा आते युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना ही युग्मक स्थानांतरण युग्मक स्थानांतरण कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो मतलब क्या है, ध्यान देना कि युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से जहां ये निर्मित हो रहे हैं उत्पन्न हो रहे हैं वहां से संयुग्मन स्थल की ओर जाना किसके लिए, निशन के लिए। किसके लिए जा जाते हैं, ये निशन के लिए। ना युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब देखिएगा भिन्न भिन्न प्रकृति में भिन्न भिन्न जीव पाए जाते हैं तो भिन्न भिन्न जीवों में युग्मक स्थानांतरण क्रिया क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे निम्न श्रेणी के जीव, ध्यान देना, जैसे निम्न श्रेणी के जीव कौन कौन से, शैवाल कवक ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, शैवाल कवक ब्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स में युग्मकों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। जबकि आप ध्यान देना उच्च वर्ग के जीवों जैसे पादपों को देखें आप, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि परागकण नर युग्मकों के वाहक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, परागकण नर युग्मकों के वाहक का कार्य करते हैं। ये परागकण कहाँ पहुँचते हैं, पुष्प के वर्तिका ग्रंथि पहुँचते हैं और क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं और क्या निकलती है, परागनलिका। और यहाँ पर एक जनन केंद्रक से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है और परागनलिका के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में स्थित अंडाणु की ओर गमन करते हैं। तो अंडाणु क्या होते हैं, अचल होता है, जबकि इसमें क्या होते हैं, नर युग्मक चल होते हैं। तो नर युग्मक को अचल मादा युग्मक के पास में पहुंचना होता है। उस प्रकार मानव में देख लीजिए आप कि अंडाणु अचल होता है जबकि नर युग्मक क्या होता है, अचल होता है। तो इसमें आप देखिएगा आगे जो है, जो पॉइंट है उसमें लिखो, भिन्न भिन्न जीवों में युग्मन स्थानांतरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो देखिएगा भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न, इसमें लिखें भिन्न भिन्न जीवों में युग्मक स्थानांतरण भिन्न भिन्न जीवों में युग्मक स्थानांतरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। युग्मक स्थानांतरण भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे पहला बिंदु, जैसे पहले लिखे आप निम्न वर्ग के जीवों, निम्न वर्ग के जीवों जैसे शैवाल कवक ब्रायोफाइट्स, शैवाल कवक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में युग्मक स्थानांतरण और टेरिडोफाइट्स में युग्मक
स्थानांतरण जल जल द्वारा होता है। ध्यान रखना ये चीज़ें कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं। शैवाल, कवक और टेरिडोफाइट्स ये होते हैं निम्न श्रेणी के जीव, तो इनमें युग्मकों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। इसी प्रकार देखिएगा दूसरा अब आता है उच्च श्रेणी के जीवों या उच्च वर्ग के जीवों, जबकि देखो जबकि उच्च वर्ग के जीवों जैसे जिम्नोस्पर्म पादपों देखें, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म में परागकण पोलन ग्रेन परागकण नर युग्मकों के वाहक का कार्य करते हैं। नर युग्मकों के वाहक का कार्य करते हैं, ध्यान देना, नर युग्मकों के वाहक का कार्य करते हैं, मतलब ले जाने का कार्य करते हैं। ये परागण परागकण पुष्प के कहाँ पहुँचते हैं? जायांग के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। आगे देखो ये परागकण पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर क्या करेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, और क्या होते हैं फिर? अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर पहुंचते हैं और अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, पराग नलिका बनाते हैं, यही पराग नलिका नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य करती है। यही पराग नलिका नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य करती है। यह हम सेकेंड पार्ट में खूब पढ़ेंगे आराम से, ले जाने का कार्य करती है। तो देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि युग्मक स्थानांतरण, युग्मकों का अपने उत्पत्ति स्थल से संयुग्मन स्थल की ओर जाना युग्मक स्थानांतरण कहता है, और भिन्न भिन्न प्राणियों में यह है भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे निम्न वर्ग के प्राणियों में जल द्वारा होता है, ध्यान देना, युग्मक स्थानांतरण। अब कौन कौन से हैं ये आपके? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स। उसी प्रकार उच्च वर्ग श्रेणियों में या उच्च वर्ग के पादपों में जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? परागकणों का निर्माण होता है। ये परागकण कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र पहुँचते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। और वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित होते हैं और क्या बनाते हैं? परागनलिका बनाते हैं, और यह परागनलिका नर युग्मकों को लेकर के मादा युग्मक तक पहुँचती है। अब इसको आप
अतः हम ये भी कह सकते हैं अतः जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पराग कणों नर युग्मकों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, पराग नलिका के माध्यम से होता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म मतलब पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं, अचल होते हैं, इसलिए पादपों में नर युग्मकों का स्थानांतरण पराग नलिका के द्वारा होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं अतः एंजियोस्पर्म, अतः एंजियोस्पर्म मतलब पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में, अतः पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं, नर एवं मादा दोनों युग्मक अचल होते हैं, दोनों युग्मक क्या होते हैं, नर एवं मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं, अर्थात गमन नहीं करते हैं, अचल होते हैं, इसलिए इन पादपों में, इसलिए इन पादपों में, इसलिए इन पादपों में क्या बनती है, प्राणलिका, इसलिए इन पादपों में नर युग्मकों का स्थानांतरण, नर युग्मकों का स्थानांतरण, स्थानांतरण पराग नलिका, पराग नलिका के द्वारा मादा युग्मक तक होता है, पराग नलिका के द्वारा मादा युग्मक तक होता है। मुझे पता है ये आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम के द्वारा बताऊंगा अभी आपको मैं इसको। तो अतः क्या है कि एंजियोस्पर्म में पुष्पीय पादपों में नर एवं मादा युग्मकों क्या होते हैं, अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए इन पादपों में नर युग्मकों का स्थानांतरण, ध्यान देना मादा युग्मक चल के जाता है, नर युग्मक जाते हैं, तो नर युग्मकों का स्थानांतरण पराग नलिका के द्वारा मादा युग्मक तक होता है। अब देखिएगा इसको एक बार डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं हम थोड़ा सा, देखिएगा युग्मक स्थानांतरण क्रिया को। आप जानते हैं पुष्पीय पादपों जो उच्च पादप होते हैं, पुष्पीय जो पादप होते हैं उनका जननांग क्या होता है, मादा जननांग और नर जननांग किस माने पुष्पों में, मतलब जननांग क्या होते हैं, पुष्प। अब देखिएगा पुष्प के रूप में यदि हम देखें, मान लीजिएगा ये आपके सामने पराग नलिका वर्तिकाग्र और ये एक रफली डायग्राम आपके सामने, ध्यान देना ये हो जाता है पुष्पासन, ध्यान देना यहां से ये निकलते हैं क्या, इसके बारे में खूब बताएंगे आप, चर्चा होगी भाई दलपुंज, और ये दलपुंज, ध्यान देना, और जो तीसरा घेरा होता है वो किसका होता है, पुंकेसर पराग कणों का, ध्यान देना यहां से ये पराग कण होते हैं, पराग कण, तो चार चक्र हो गए, बाएं दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, ध्यान देना। अब देखो पराग कण होते हैं और ये इसको देखो ये होती है वर्तिकाग्र, वर्ती काग्र, ये होती है वर्तिका और ये होता है अंडाशय, अंडाशय ये पूरा क्या कहलाएगा, जायांग, क्या कहलाएगा ये, एक कहलाते हैं जायांग, या हम इसको बोलेंगे स्त्री केसर या अंडक,
ध्यान देना। अब क्या होता क्या है ध्यान देना, यह क्यों जाते हैं, क्योंकि अंडाशय में क्या होता है बीजांड, और बीजांड में क्या होता है क्या होता है बीजांड में, ये अंडाशय है, अंडाशय में क्या बनते हैं बीजांड, अंडाशय में बीजांड होते हैं ध्यान देना, और बीजांड में क्या होता है पराकोश, सॉरी पराकोश नहीं वो भ्रूणकोश, मादा युग्मक उद्भिद, और मादा युग्मक उद्भिद में क्या होता है मादा युग्मक अंडकोशिका। कैसे देखो ध्यान से देखना, ये समझ में आपके आना चाहिए इस तरह से, नहीं तो ये होता है मादा युग्मक उद्भिद, और ये होती है इसकी अंडकोशिका, ये वाली मादा युग्मक कहेंगे इसको, मादा युग्मक अंडाणु कह सकते हैं इसको ना। अब इसमें क्या होता है यहाँ से ये बनते हैं साहब, इस टाइप क्या निकलता है आवरण होते हैं, ये क्या कहलाएगा आपके बीजांड, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु दानी। इसमें क्या होता है ऊपर की कोशिका होती है तीन, और ये बीच में होती है, होता है भ्रूणकोश, मादा युग्मक कोद भेद, और इसमें क्या होता है मादा युग्मक, मादा युग्मक ध्यान देना इस चीज को, आगे पढ़ा होगा आपने पुस्तकों में ध्यान देना, तो देखिएगा यहाँ ये पराकण यहाँ पहुँचते हैं साहब, कहाँ पर वर्तिकाग्र पर ये पहुँच गए साहब, वर्तिकाग्र पर पराकण पहुँच गए, ये पराकण पहुँच गए वर्तिकाग्र पर, ये क्रिया क्या कहलाती है पराकण कहलाती है, अर्थात पराकोश, ये पराकोश है, पराग कोश से पराकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचना क्या कहलाता है परागण। अब ये परागण परागकण, परागण द्वारा पराकण कहाँ पहुँच गए वर्तिकाग्र पर, अब ये पराकण है क्या होता है अंकुरित होता है, और इसमें क्या निकलती है पराग नलिका निकलती है, और कहाँ जाती है बीजाणु द्वार की ओर, ये पराग नलिका ऐसे, तो ये होते हैं इसमें युग्मक नर युग्मक, इन्हें बोलेंगे हम नर युग्मक, नर युग्मक, और ये कहाँ पहुँचेंगे इधर इसमें प्रवेश कर जाएगी, और इससे समीकरण खुल जाते हैं, यहाँ ये होता है निशन क्रिया होती है, तो ये होता है अचल होता है ये मादा युग्मक, और ये भी दोनों अचल होते हैं, इस प्रकार परागण क्रिया होती है पुष्पीय पादपों में ध्यान देना। तो उच्च विकसित प्राणियों में क्या होता है कि जैसे पुष्पीय पादप है, मैंने आपको बताया था कि पुष्पीय पादपों जैसे एंजियोस्पर्म में नर एवं मादा दोनों युग्मक क्या होते हैं अचल होते हैं, और नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, इसके लिए इनमें क्या बनती है पराग नलिका, और पराग नलिका का निर्माण किससे होता है पराग कण के द्वारा, और पराग कण का अंकुरण कब होता है जब परागण होता है, ये है मतलब इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। अब आता है आपके घटना कौन सी आती है डिसीजन, लैंगिक जनन की जो दूसरी घटना है दूसरा भाग है कौन सा है निषेचन, निषेचन भाई ये पहुंच गया वहां पर कहां पर अपने संयुग्म स्थल की ओर, पराकण चार्ट में देखो कौन सी घटना है पहुंच गए ना अपने उत्पत्ति स्थल की ओर, उत्पत्ति स्थल से संयुग्म स्थल की ओर, इसके बाद में दूसरी जो आती है आपके वो आता है निषेचन, निषेचन इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको फर्टिलाइजेशन, क्या हम इसे बोलते हैं युग्मक संलयन, ये भी कह सकते हैं इसको युग्मक संलयन। तो इसकी क्या परिभाषा है ध्यान देना कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों, किस प्राणी होते हैं लैंगिक जनन के दौरान नर एवं मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं, तो ध्यान देना परिभाषा देखो इसकी, लैंगिक जनन करने वाले लैंगिक जनन के दौरान, देखो आप लैंगिक जनन के दौरान नर एवं मादा, नर एवं मादा युग्मकों के केंद्रकों, नर एवं मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन, केंद्रकों
के संलयन की प्रक्रिया को केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो क्या है कि लैंगिक जनन के दौरान नर एवं मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब देखिएगा, निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, युग्मनज, जायगोट। आगे लिखो, निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित एक द्विगुणित कोशिका का एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मनज, प्रकट में जायगोट, जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, जायगोट कहते हैं। ध्यान देना, निषेचन को युग्मक संलयन या संगीमी भी कहते हैं। निषेचन को युग्मक संलयन या सिनगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक संलयन या सिनगेमी भी कहते हैं। तो ना, निषेचन क्रियाएं, निषेचन में दो क्रियाएं होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम, जीवद्रव्य संलयन और केंद्रक संलयन। तो देखिएगा, निषेचन में कि लैंगिक जनन के दौरान नर एवं मादा युग्मकों के केंद्रकों के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जायगोट या युग्मनज। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना बनती है लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में। यदि इसका निर्माण नहीं होता है तो नई जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। यही युग्मनज क्या करती है, आगे विकसित होकर के नए संतति जीव का निर्माण करती है। अब देखिएगा, निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन सी घटना है या क्रियाएं होती है, उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे आप पढ़ के आए इसको और नोट्स बनाए ढंग से। धन्यवाद।